इश्क में, मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू, खूबसूरत है, खूबसूरत है तू, प्रतियोगिता वो भी उड़ने की प्रतियोगिता। तो काफी ऊंचाई पर जाने के बाद जटायु को सूर्य की किरणों के कारण बहुत ज्यादा तपन होने लगी। उन्होंने संपाति से कहा, भैया इससे ज्यादा ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, एक काम करो यहीं से वापस चलो। बिल्कुल। संपाति ने कहा, अरे जाओ, इससे ज्यादा तुम ऊंचा उड़ नहीं पाओगे, इसलिए हमको भी नीचे ले जा रहे हो। अरे मेरे मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है कि मैं इससे और ज्यादा ऊपर जा सकता हूँ। जटायु ने कहा, ठीक है, नहीं मानते हो तो जाओ। अब जैसे ही संपाति थोड़ा और ऊंचे गए तो सूर्य की किरणों के कारण उनके सारे पंख जल गए और संपाति सीधे धड़ाम से नीचे आए। नीचे आए। अब जटायु भी जब नीचे आ गए तो अपने भाई संपाति को समझाने लगे। क्या? बोले, भैया मैंने आपको समझाया था कि उससे ज्यादा ऊपर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, तो सुनिए मेरी बात। जटायु ने कहा कि पर को फैलाए काहे ऊपर गए। जटायु ने कहा, भैया हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा उड़ोगे तो जल जाओगे। पंडा जी, हद से ज्यादा उड़ोगे तो जल जाओगे। और कहा, ऐसी तकरार करना नहीं ठीक है। और कह दिया, ये तुम्हारी है हद, हद के अंदर रहो, ये तुम्हारी है हद के अंदर रहो, अपनी हद पार करना नहीं ठीक है। अंदर रहो, अपनी हद पार करना नहीं ठीक है। अब आप इसको चाहे हद कहिए, चाहे सीमा कह लीजिए, चाहे रेखा कह लीजिए,
दूसरी बात देखे आप क्या बना क्या और कौन कह रहा है कौन? माता जानकी को जब ये स्वर सुनाई दिया कि हे लक्ष्मण मेरी सहायता करो, माता ने कहा लखन जाओ भैया, ऐसा लग रहा है कि शायद स्वामी किसी संकट में आ गए हैं, जाओ जाकर देखो। लक्ष्मण जी ने कहा माँ आपका आदेश लेकर मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक काम किए जा रहा हूँ, आप कृपा करके उसका उल्लंघन ना करिएगा। और वो काम क्या किया उन्होंने? क्या कि गोल धरती पे खींचा जो गोल है, रेखा के बाहर मत जाना माँ। गोल धरती पे खींचा जो गोल है, आप इसके अंदर ना जाना, और बाकी कोई भी अगर इसके अंदर आने का प्रयास करेगा तो होगा क्या? क्या पार करते ही बदले भूगोल, और बाकी बाकी हद के अंदर जो इस रेखा के हद के अंदर जो जाएगा जल जाएगा, हद के अंदर जो हद के अंदर जो जाएगा जल जाएगा, पार अधिकार करना नहीं ठीक है। तुम्हारी है हद, इसके अंदर रहो, अपनी हद पार करना नहीं ठीक है। एक बात और सुनिए, कौन जी बेटे? भगवान कन्हैया शिशुपाल से कहने लगे, क्या बोले शिशुपाल? मैं बहुत देर से तेरी सारी गलतियां सारी गालियां बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब सुन। सौ की गिनती करेगा अगर पार तू, हो गई तो बन जाएगा मेरा शिकार तू, छान कर ठान कर यही अनुमान कर। अब तुझे ये अल्टीमेटम दे रहा हूं, और कहा कन्हैया ने सौ के ऊपर किया, सौ के ऊपर किया, सौ के ऊपर किया, पार गिनती अगर तो तुझ पे उपकार करना नहीं ठीक है। और ये सौ तक ये तुम्हारी है हद, हद के अंदर रहो, अपनी हद पार करना।